हाँ दोस्तों, कैसे हैं? 19 तारीख का फ्राइडे है, और अगर मेरी बात आपने बिलीव किया होगा तो बिलीव देखा होगा, 1100 प्रीवियस वीडियो में भी सुन लीजिए जाके। बेरिश पैटर्न ही रखना अभी, और अभी भी बेरिश ही रखना है। हाँ ये जरूर है, 11000 के नीचे नहीं दिखता है टूटते हुए, टूटता है तो फिर 10800 है। अभी बेरिश पैटर्न 11100 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, 11050 के आसपास। कारण कुछ भी हो सकता है, अब ये आप लगाइए कि सरचार्ज लगा दिया, और चाहे आप कोई भी मैसेज दे दीजिए, बाइंग तो आ नहीं रही थी। जब बाइंग आ नहीं रही थी, किसी चीज़ में बाइंग था नहीं, बाइंग थी नहीं, टूटना तो था। और पहले से भी ये क्लियर था कि निफ्टी वीकनेस था, फॉरन FI बेच ही रहे थे, कोई डायरेक्ट इक्विटी में प्लेस कर नहीं रहा था अपनी पोजिशन को, सब डेप्ट की ओर जा रहे थे। तो ये सब रीजन्स को लेकर के आज मार्केट ने वीकनेस दिखाया और मार्केट वीक दिखा। ऑलरेडी यस बैंक, मारुति पे मेरे पास ऑलरेडी, आपको मेरे जाएंगे वेबसाइट पे तो वहाँ पे ऑलरेडी उसके बारे में अपडेट दिया हुआ है। यस बैंक में वीकनेस दिख रहा है, मारुति में भी वीकनेस दिख रहा है। ऑलरेडी क्या करना है वो स्ट्रेटजी दी हुई है। आइए चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 आज की क्लोजिंग 11419 पे दिया, 177 पॉइंट टूटा हुआ, 7 एडवांसेज हैं, 43 डिक्लाइन है। जो एडवांसेज हैं NTPC, टाइटन, कोल इंडिया, TCS और पावर ग्रिड एडवांसेज में, जो डिक्लाइन में महिंद्रा महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, आइसर मोटर, इंडस्ट्रियल। आइसर मोटर वीक है और अभी वीक दिखते हैं, आपको हो सकता है 15500 तक आपको जाते हुए दिखेगा। और अगर इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स में सभी वीक हैं और वीक्स भी 12 पॉइंट पहुंच चुका है। आप देखेंगे सभी गिर रहे हैं इंडेक्स में, और सेक्टर में भी देखेंगे तो सारे सेक्टर रेड में हैं, तो कहीं पे भी बचाव नहीं है, राहत नहीं है। बैंक निफ्टी टूटा है और 30000 के लेवल को तोड़ा है। क्लोजिंग जो दिया है वो लोअर साइड में दिया है, तो कहीं ना कहीं जब तक ये 30000 को क्रॉस नहीं करता है, 30100 को, तब तक इसमें वीकनेस है, और हो सकता है आपको बैंक निफ्टी भी और नीचे जाता हुआ दिखे आपको। तो निफ्टी में वापस एक कमजोरी है, 11150 पे इसको सपोर्ट है। ये मैंने यहाँ पे भी दिखाया आपको, 11150 पे एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए इसको, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। और इस महीने की क्लोजिंग एटलीस्ट मुझे नहीं लगता 11300 से नीचे होगी, हो सकता है वापस आपको 11500 की ओर जाते हुए निफ्टी क्लोजिंग मंथ एंड तक आपको देखने को मिले। लेकिन 11300 पे निफ्टी में अभी जो दिख रहा है एक अच्छा सपोर्ट है, एक स्पाइक के रूप में नीचे जा सकता है, बट 11300 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं 11300-250 पे आके निफ्टी अपनी पोजीशन खड़ा कर सकती है, बना सकती है, और 11150 पे भी सपोर्ट यहाँ दिख रहा है। अगर मैं इसको निफ्टी के डेली पोजीशन को भी देखो तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 150 का डेमर तोड़ा है, 11440 को तोड़ा है, 11419 पे क्लोजिंग हुआ है, तो 11295 ये 200 का डेमर आता है। तो यहाँ से भी दिखता है कि अपने को यहाँ सपोर्ट ले सकता है। अगर वीकली बेसिस पे जाऊं, वीकली बेसिस पे देखेंगे तो इसने जरूर 21 दिन का डेमा 532 का तोड़ा है, बट 11223 पे यहाँ पे भी सपोर्ट है। तो आप डेली पे भी जा रहे हैं तो भी सपोर्ट है 230-250-300 या 295 पे, मीन्स 250 से लेकर के 300 के बीच में अच्छा सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता है इसको तोड़ना चाहिए अभी इस महीने तक, लेकिन मार्केट बेरिश है। मैं आपको बता रहा हूँ जुलाई भी बेरिश रहेगा, अगस्त भी चांसेस है बेरिश रहने का। रिजल्ट को लेकर के सितंबर में अगर कोई पॉजिटिवनेस आएगी तो सितंबर से आपको शायद मार्केट थोड़ा सा स्थिर होते हुए दिखेगा। और ये जो कारण था क्यों इतना दिन, आप सोचेंगे कि ये क्यों इतना दिन तक होल्ड किया था, अगर इसको तोड़ना था तो तोड़ देता। इसको इसलिए तोड़ा गया था क्योंकि जो 25 तारीख की क्लोजिंग थी, जो पुट सेल करके बैठे थे, वो टाइम वैल्यू डिके करना चाहते थे, और टाइम वैल्यू डिके करके उसकी वैल्यू को ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रेंज माउंड में उसको ख़त्म किया। और चूंकि इसको ख़त्म करना 11000 तोड़ना नहीं था इस महीने में, तो उनको अगर शुरुआत से ही तोड़ते जाते तो 11000 कब का टूट के नीचे जा चुका होता। इसके लिए वो रेंज बाउंड खेल रहे थे, और अभी वापस अब जो रहेगा रेंज थोड़ा सा 300 का एक बार स्पाइक आपको दिखा तो दिखा दे, बट 300-500 के रेंज में आपको चाहे तो निफ्टी क्लोजिंग देते हुए आपको दिखेगा। बिक्स पे जो पोजीशन देख रहे हैं हम, फॉल का पोजीशन ख़त्म होने को है, अब एक हैमर पैटर्न दिख रहा है और अब ये ऊपर की ओर जाएगा, और आपको 15-15.5 तक जाते हुए दिखेगा विक्स, और ये ऊपर जाएगा तो निफ्टी नीचे आएगा।
FITI की अगर बात करें तो आप देखेंगे डेली सेल हो रहा है, और कल देखिए 18 जुलाई को 1400 करोड़ का जहाँ सेल हुआ, आज भी 950 करोड़ का सेल हुआ, कोई राहत नहीं है। अब वहाँ पर DI ने सपोर्ट लेकर के बाइंग करने की कोशिश की है कैश में। फ्यूचर ऑप्शन में देखने की बात करें तो 1000 करोड़ की बिकवाली हुई है आज, कल जहाँ खरीदारी की थी यहाँ पे फ्यूचर में वहाँ पे बिकवाली किया है, और आज दोनों ने फ्यूचर में बिकवाली किया है और इंडेक्स में भी बिकवाली हुई है, दोनों तरफ बिकवाली हुई है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 201 करोड़ की खरीदारी की है, जबकि 1500 करोड़ की खरीदारी यहाँ पे डेब्ट में की है। FI क्या कर रहा है, FI इक्विटी में सेल कर रहा है 1400 करोड़ की, टोटल अभी तक 7000 करोड़ की सेल कर चुके हैं, और आज ह्यूज सेल किया है 18 तारीख को, 19 तारीख का डाटा नहीं है इसमें, 18 को सेल किया है, आज का डाटा इसमें नहीं है, अभी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जून तक जो नॉर्मल सेल था 688 करोड़ का, अब देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पे 7000 करोड़ का सेल हो चुका है, और डेब्ट में उतना ही उन्होंने बाइंग किया है। अगर मैं इसको डेरिवेटिव में जाकर के देखने की कोशिश करूँ, जो कि 25 जुलाई की एक्सपायरी है और आज 11419 पे क्लोजिंग हुआ है 19 जुलाई को, तो 25 जुलाई की अगर एक्सपायरी जाकर देखने की कोशिश करूँ जो कि 11419 है, तो एट द मनी जाकर के 11400 पे देखो तो क्या हो रहा है। यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बन रही है कॉल साइड में, जबकि पुट साइड में यहाँ पे भी इनको बाइंग की पोजीशन बन रही है। मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि 11300 पे देखेंगे 30 लाख है क्यूमुलेटिव, 11400 भी 26 लाख, बट नीचे की ओर 11300 में देखेंगे तो ह्यूज सपोर्ट है, ऊपर में देखेंगे 30 लाख है वो 11500 पे ही है। और आज के आज 24 लाख शेयर से इसकी शॉर्ट की पोजीशन बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं अभी 11500, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 11600 क्रॉस भी करेगा तो कहीं ना कहीं 70-80 लाख शेयर को इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ये दिखता नहीं है, पॉसिबल है, बट ये धीरे धीरे आपको 11400 तोड़ेगा, फिर 350 और 300 पे सपोर्ट लेगा, और वापस मंथ की क्लोजिंग आकर के कहीं ना कहीं 450-500 की ओर देते हुए आपको दिख सकते हैं। तो 11300 पे अच्छा सपोर्ट है इस वीक में, क्लोजिंग एक्सपायरी को लेकर के 11300 तोड़ने वाला नहीं है और ऊपर 11500 जाने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं 11300 से 11500 का रेंज में आपको निफ्टी एक्सपायरी देते हुए आपको इस मंथ का दिख सकता है। वीकनेस बरकरार है, वीकनेस कंटिन्यू है और रहेगा अभी, लेकिन इसमें आपको पॉजिटिवनेस ये है अच्छे से जो गिर रहे हैं आपको वहाँ पे पोजीशन बाइंग की ओर देखनी चाहिए, ना कि आपको यहाँ पे या जो जिसमें ह्यूज फॉल है उसमें सेल की पोजीशन शॉर्ट की पोजीशन ना के भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप उसमें जो शेयर अच्छे हैं जो अच्छे फॉल दिखा रहे हैं वहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी 50 पे सिर्फ एक व्यू था, अभी भी यहाँ पे बेरिश पोजीशन बन रहा है, अभी भी बेरिश व्यू है, निफ्टी 50 में कहीं ना कहीं आपको बेरिश पोजीशन देखने को मिल सकता है आगे। ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है, व्यू है, मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है मार्केट में। आप बाइंग और सेलिंग करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।